हेलो, ओके ओके, थैंक यू। किसका कॉल था? मेरा सारा सामान शिफ्ट हो गया है। जाओ। सच में जाओ? हाँ जाओ, दरवाजा ओपन करो। कैसी दोस्त हो तुम, अपने दोस्त को 2 मिनट भी सेंड नहीं कर सकती? ये देखो, जाने की बात तुम कर रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। मैं देखता हूँ। हेलो शर्वरी जी। अचानक? वो हर बार अचानक ही आते हैं। तो ये है हमारा नया पड़ोसी। जी हाँ, यही हमारा नया पड़ोसी। कैसा है ये शर्वरी? अब ये मेरा दोस्त है तो कैसा होगा? नहीं वो ठीक है, पर गुलाब के साथ कांटे भी आते हैं ना। शायद आपको कांटा चुभाना ही पड़ेगा। ऑफिस धमकी देता है क्या? तो देखो देखो शर्वरी, पिछली बार भी इसने ऐसा किया था मुझे। चाचा जी, मैं सॉरी बोलती हूँ उसकी तरफ से। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, इनको ऐसा ही जवाब देना चाहिए। बस बहुत हुआ मेरा अपमान। शर्वरी, आगे से मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ठीक है, जब ये होगा तब नहीं आऊंगा। तो मैं जाता ही नहीं, यहीं पे रुकता हूँ। तुम्हारी मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, तुम जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ। अरे अरे कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप, दोस्त है वो मेरा। सॉरी शर्वरी जी। चाचा जी आप जाइए प्लीज, बुरा मत मानना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ आराम से करेंगे बात। ये क्या बदतमीज बुड्ढा है, मुझे बता दो, एकदम सीधा कर दूंगा मैं इसको। चुप बैठो तुम, हीरोगिरी मत करो, आए हो ना सोसाइटी में, चुपचाप रहो। क्या बात है चाचा जी, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। ये देखिए, आप जिसके दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसका पत्ता काटना ही पड़ेगा। अबे जे, मैं झुकेगा ना। अभी मैं पूरा घर ठीक करता हूँ, फिर आपको बुलाता हूँ। कुछ नहीं होगा तुमसे, सारा आके मुझे करना पड़ेगा। मुझे चैलेंज, अब देखो मेरा घर तुमसे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। अभी जी, अरे जोया, अभी तुम दोनों आमने सामने आ ही गई हो तो प्लीज ये देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम दोनों ऐसे लड़ती हो। प्लीज एक साथ आ जाओ ना मेरे लिए। अभिजीत, कुछ बातें भुलाई नहीं जा सकती। देखो अभिजीत, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। आपके जैसे बदतमीज औरत तो मैंने देखी नहीं है। साफ साफ बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? जो बातें आपने मुझे की है ना, वो इतनी घिनौनी है कि कोई भी लड़की भूल नहीं सकती। आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छी बातें की है। मुझे जो लगा मैंने वही बोला, तो मैंने भी आपने जो आंखों से देखा वही बोला। अब ये सच या झूठ मुझे बताइए, क्या आपके आगे पीछे लड़के नहीं घूमते? तो मैं क्या करूं, करते हैं आगे पीछे तो करते हैं। कौन है, मुझे भी देखना है। फिर से हो गया क्या? आप मना तो कर सकती है ना, पर नहीं, आप अच्छे से बात करती हैं उनसे। अगर मैं किसी के साथ अच्छे से बात करूं तो इसका मतलब मेरा और उसका कुछ है? शर्म नहीं आती लोगों के झगड़ों का मजा ले रही हो? आपको खाना है तो बोलिए ना। दे चल। कौन सा फ्लेवर है, ऑनियन? बातें तो आप सबके साथ ही करती हैं। हाँ तो मेरी पर्सनैलिटी वैसी है, मैं सबके साथ अच्छे से बात करती हूँ, तो इसका मतलब मेरा सबके साथ अफेयर है क्या? पता अभिजीत, ये देखो, इन दोनों का झगड़ा देख के मेरा दिल चूर चूर हो जाता है। ससमा, जब मैं और से मुझे लड़ते तब नहीं होता आपका दिल चूर चूर? सुंदरियों और बंदरियों में यही तो फर्क होता है। अब तुम ही बताओ मैं कैसे माफ करूं इस लड़की को? मत कीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। मैं करूंगी भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। किसकी नजर लगी है पता नहीं मेरी दो सुंदरियों को। जाओ तुम। और तुम
मेरे यहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह रहने जा। मैं कहीं नहीं जा रही, आपको तकलीफ है ना, तो निकलिए खुद। एक दिन ऐसा सीधा करूंगी ना, टेढ़े में घुसना भूल जाओगी। देखो देखो तुम्हारी मासूम जोया, कातिल हसीना है, शर्वरी तो सिर्फ फुलझड़ी है, सुतली बम तो जोया है। हमारा झगड़ा तो इनके आगे चूही बिल्ली जैसा है। हाँ ना, शेरनी आई है वो दो मेरी।